बाहर बड़ा शोर शराबा हुआ। ये शोर सुनकर के बाहर पहुंचे, बालकनी से झांक करके देखा, कॉलोनी के कुछ लोग बात कर रहे थे कि टंकी में किसी ने जहर मिला दिया है, इसीलिए कोई पानी वानी ना पिए या उसे यूज ना करे। ये सुनकर के अंदर आ गए। इनकी श्रीमती जी, इनकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, क्या चल रहा था बाहर? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ बेवड़े लोग आपस में बात कर रहे थे, तू तो पानी पी के सो जा। तो ये ऐसी मंशा के लोग यहाँ उपस्थित हैं। और सर, हम इन जिन कवियों पता नहीं कौन कौन से 20-25 पोज क्लोजअप से अलग आ, और अगर दूल्हन दूल्हा कुछ बोलता है तो पलट के बोल देते हैं कि देखिए आप चुप रहिए, मैं उन्हें अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। बेचारा दूल्हा भी क्या करे, वो बोले तू ही कर ले। कुल मिला के मामला अद्भुत है। मेरे बारे में आदरणीय सौरभकांत शर्मा जी ने कहा कि हमारे बीच में एक छोटा कवि है, हमारे बीच में एक ऐसा कवि है जो हूं फुल पीस में इतना ही हूं। मैं तो कॉलेज गया तो पीछे से एक आवाज आई, किसका बच्चा खो गया? मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन पिलाए। अच्छा यहां तक तो फिर भी ठीक था, कमबख्त कुछ लड़कियों ने तो मुझे गोदी में उठा दिया मुंडा मुंडा के। तो मेरी स्थिति आप लोग देख रहे हो कितनी अद्भुत है। कहीं कोई मामला नहीं बन रहा था। राकेश सर आप क्यों मोबाइल चला रहे हो? आपको तो यकीन जानिए मैं मारवाड़ी बनिया व्यक्ति, मैं कैमरामैन के कैमरा वाले के पास में चला गया। मैंने कहा यार मेरा एक ऐसा पासपोर्ट साइज फोटो खींचो जिसमें मेरा सर भी आ जाए और मेरे जूते भी। चाबी दे दो, मैं जब आएंगे तो मुझे बोलूंगा। उसने बोला जूते निकाल के सर पे रख। नहीं नहीं बढ़िया। अपनी स्थिति इतनी जोरदार है मैं क्या बताऊं आप लोगों को। और आप इन कैमरामैन गया, मैं गया इनके घर, उनके ये सुन में बैठे ऐसा है कि हम लोग जाते आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, क्योंकि मैं भी देश का भविष्य ही हूं। और कुल मिला ले ले भाई। अच्छा तो भूल ही गया, ये बहुत पहले भूमिका रखी गई थी इसीलिए कि ताकि भविष्य में जाकर के मेरा फोटो क्लिक कर सके। लेकिन मैं बता रहा, मैं एक बार सौरभकांत जी के घर गया था, इनका वही बच्चा जो 3 बार फेल होकर के आया था वो मेरे सामने आया, बोले भैया एक तो बच्चे का नाम ले जा गया, इसका ये 7 चक्कर है। ये फेरे पूरे कर रहा इतने में हमारे यहाँ हो ही जाते हैं। और जैसे फेरे की बात करी उसे समझ में आ गए, वो तुरंत निकल लिया। अद्भुत ही मामला है। तो मैं बता रहा था मैं इनके घर गया, इनका वही फेल हुआ बच्चा मेरे सामने आया, बोले भैया देखो सर आप भैया वीडियो गेम खेल रहे हैं। मुझे लगा उनको सर है आदरणीय तो ऐसे फंसे हुए हैं। और मेरे को मालूम है तुम बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल में आए हुए हो और हम भी उसी चक्कर में आए हैं। तो मैं घर गया, इनको बच्चा आया, बोले भैया दूसरों के घर में चलती होगी मम्मियों की, खींच के सब लोग पीछे देख रहे हैं, हमारे घर में पापा की। मैंने कहा क्या बात, ये तो संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल। बोले नहीं भैया दूसरों के घर में चलती होगी मम्मियों की, हमारे घर में पापा की। मैंने कहा कैसा चलती आज, मेंस डे है, यहीं से मुझे शुरू कर देना आनंद के लिए आपके। मैं बोला दूसरों के घर में चलती होगी मम्मियों की, हमारे घर में हमारे पापा की। मैंने कहा बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बोले नहीं भैया चलती है। मैंने कहा कैसे चलती है? बोले पापा मम्मी को बोलते हैं जाओ एक बाल्टी पानी भर के लेके आओ, मम्मी तुरंत पानी भर के लेके आती है, उसके बाद ही पापा कपड़े धोते हैं। जिन लोगों ने तालियां बजाई है उन लोगों की भी मुझे स्थिति समझ में आ रही है। आप सभी को मेंस डे की बहुत बहुत बधाई। बढ़िया। वीमेंस डे पे ऐसे लंबे लंबे लेख लिखे भाई साहब सबने फेसबुक पर। और आज विडंबना देखो कि केवल इंटरनेशनल मेंस डे नहीं है, इंटरनेशनल टॉयलेट डे भी है।
देखो पुरुषों तरस था अपने आप पे। मैं सच में यकीन जानिए मैं पुरुष की तरफ हूँ। अच्छा नहीं सही में महिलाएं हो, सौरभ जी कह रहे थे छोटे दिल की होते, देखो यकीन जानिए महिलाएं होती है चतुर। और पुरुष होता है बेचारा भोला, इतना भोला होता है। और महिलाएं इतनी चतुर होती है, ऑब्जर्वेशन देखना मेरा, इतनी चतुर होती है महिलाएं, इतनी चतुर होती है ऐसे डब्बे को हिला के बता सकती है इसमें राई है के जीरा। और हम पुरुष को एक दिन किचन सौंप के देखो क्या हाल करते हैं हम लोग। ये एक तुम मेरी बात सुनते हो, मुझे एक चीज बताइए, माइक वाले भैया का पिछली बार का पेमेंट नहीं हुआ था क्या? कोई बात नहीं, वो आ गए दो बच्चे, मुझे तो ध्यान है पिछली बार भी मैं कन्नौज आया था सर, पिछली बार आया था ऐसे कन्नौज में एक बच्चा जो है वो पेड़ पे फल लगा हुआ था, तो उसने पत्थर उठाया, वो फल पत्थर फेंक के फल में मारने की कोशिश करी, पत्थर फल में लगा नहीं, बच्चा बोला वो तेरी इशारा चूक गया। यहाँ कन्नौज का बच्चा बोला वो तेरी इशारा चूक गया। ये घटना एक महाराज जी देख रहे थे, तो महाराज जी ने बच्चे को समझाया, बोले बेटा ऐसे नहीं बोलते, अच्छे संस्कार नहीं है, अच्छी भाषा नहीं है, ये क्या होता है वो तेरी इशारा चूक गया ऐसे मत बोलना। बच्चा कहाँ मानने वाला था, कन्नौज का था, उसने फिर पत्थर फिर फेंका, पत्थर फिर नहीं लगा, बच्चा बोलो तेरी इशारा चूक गया, तो महाराज जी ने उसे फिर समझाया, बोले बेटा ये अच्छे संस्कार नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अब अगर तुम ऐसे बोलोगे। बोले पापा वो अपना जो वार्ड मेंबर है ना, मैं यहाँ हाँ, बोले उसका लड़का फेल हो गया। नहीं वार्ड मेंबर का लड़का फेल हुआ, तेरा क्या हुआ? बोले चेयरमैन है ना, चेयरमैन। बोले हाँ, बोले उसकी लड़की फेल हो गई। नहीं चेयरमैन की लड़की फेल हो गई, वार्ड मेंबर का लड़का फेल हो गया, तेरा क्या हुआ? बोले अपना विधायक है ना, विधायक हाँ, बोले उसका भी लड़का फेल हो गया। अरे मैं विधायक का लड़का फेल हो गया, चेयरमैन की लड़की फेल हो गई, वार्ड मेंबर का लड़का फेल हो गया, तेरा क्या हुआ? बोले अपने पास एमपी है ना, उसका भी पोता फेल हो गया। अरे मैं सबके फेल हो गया, तेरा क्या हुआ है? मैं कह भी नहीं पाई तुम समझ भी ना पाए, मैं कह भी नहीं पाई तुम समझ भी ना पाए, इस राह मोहब्बत में कितने अजाब आए। जब पहली बार मिले थे हम तो लगा था दुनिया पाली है, ऐसा ही कुछ लगता है पहली पहली बार, द फर्स्ट अट्रैक्शन, द फर्स्ट लव, द फर्स्ट फीलिंग। जब पहली बार मिले थे हम तो लगा था दुनिया पा ली है, और वहां बैठी कुछ लड़कियां हैं जो शायद आपस में अपनी सहेलियों को पिंच कर रही है कि हाँ देखो ये वही इमोशन है जिसकी बात हो रही है। जब पहली बार मिले थे हम तो लगा था दुनिया पा ली है, नजरों को तुम्हारी आदत थी मुश्किल से बात संभाली है, नजरों को तुम्हारी आदत थी मुश्किल से बात संभाली है, बरतरफ तकल्लुफ तुमसे ना हुआ। बरतरफ तकल्लुफ यानी कि तकल्लुफ, अरे कैसे कहें कैसे बात करें, बरतरफ तकल्लुफ तुमसे ना हुआ, मेरी भी हिचक ने सितम ढाए, इस राह मोहब्बत में कितने अजाब आए। दुनिया में जो भी प्यार करे, दुनिया में जो भी प्यार करे, लाजिम है उसे इकरार करे, हर एक पोशीदा बाजी से इस खेल को ना बेकार करे, कुछ रंज करे तकरार करे, दरमियां में केवल प्यार करे, हम पे तो चलो अब बीत चुकी, कोई और ना फिर ये मात खाए, मैं कह भी नहीं पाई तुम समझ भी ना पाए, राह मोहब्बत में कितने अजाब आए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर माँ बाप को दिया हो, उनके जीवन यापन नहीं चल पा रहा है, उनका काम चल जाएगा, तब चंद्रशेखर आजाद ने वो 5,000 की थैली वापस कर दी। बोले देश के लिए आवश्यकता है, देश के कितने क्रांतिकारी रात भर भूखे सो जाते हैं, इस देश की एक आनवान शान रखने के लिए, इसको स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अगर मैंने 5 वर्ष की सीट पर आपके महिला आकर बैठ जाए और आपको नींद आ जाए, धोखे में आपका सर उसके कंधे से टिक जाए, इतने छोटे दिल की होती है, आपको तुरंत डांट देगी, स्टूपिड मतलब नहीं है महिला के साथ यात्रा करने की, शाम बैठ रहे ऐसा होता नहीं होता है। अब स्थिति को उल्टा कर दो, महिला को नींद आ जाए और उसका सर आपके हाथ कंधे पर टिक जाए। भाई साहब यहां से उन्नाव तक जा रहे होंगे तो लखनऊ तक की टिकट करा दोगे, पूरे चल वो उसी विभाग से है, AITU में यहाँ की आदमी अजय तिवारी जी को आवाज देता हूं कविता वाचन के लिए। मुझे याद आती है कहीं डॉक्टर उमेश ने लिखा, डॉक्टर उमेश जी लिखते हैं कि उन्होंने कविता के माध्यम से बुलाना चाहता हूं अजय तिवारी जी के लिए, कि सारा आलम पुनीत हो जाए जिसको चाहो वो ईद हो जाए, सारा आलम
सारा आलम पुनीत हो जाए, जिसको चाहो वो मीत हो जाए, और तुमको रस छंद ले की जरूरत है क्या, तो जो भी कह दो वो गीत हो जाए। जोरदार ताली बजाइए, इज्जत खिलाइए। जो लड़ा अकेला मृत्यु तक वो रथ का पहिया भूल गए, जो भूल गए हो तो हरियुग की अमर कहानी याद करो, याद दिलाता हूँ। जो भूल गए हो तो हरियुग की अमर कहानी याद करो, मेवाड़ी पानी याद करो, तुम हाड़ा रानी याद करो, याद करो चित्तौड़ दुर्ग में उठती जौहर की ज्वाला, हरिदल में तांडव करता जो राणा का कुंडल का भाला, देश धर्म पर गोविंद सिंह के सब बेटों का मिट जाना। माँ दो तीन आदमी रखे, मैंने कविता पढ़ी, सभी ने ताली बजाई, उसने ताली भी नहीं बजाई। मैंने कहा भाई साहब आप तो ताली भी नहीं बजाई। बोला अमीर आदमी हूँ, मैंने तालियां बजाने के लिए दो तीन आदमी रखे। बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। तो बोले पापा बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ बेटा होंगे होंगे। पापा शी इज वेरी हॉट, ऐसे नहीं कहते हैं बेटा। जो टीचर होती है, मैडम जो होती है, माँ के समान होती है। बोले हाँ, तुम तो हमेशा अपने चक्कर में रहते हो। ऐसे बच्चों मैं पिछले 19 साल से सर एक विद्यालय में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो हमारा जो स्कूल है वो एक सड़क के किनारे है, तो सड़क पर बहुत तेज वाहन गुजरते हैं, तो वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड पर लिखवा दिया कि कृपया वाहन चालक वाहन धीरे चलाएं, ये स्कूल है, बच्चे पिच ना जाए। आप तो बड़े बड़े हैं, वो तो इंटर तक का कॉलेज है, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, 6 से लेकर 12 तक अपने यूपी में चलता है ना इंटर कॉलेज, उसी माध्यमिक में हूँ। तो मैं लिखवा दिया कि ये वाहन चालक कृपया वाहन धीरे चलाएं, ये स्कूल है, बच्चे पिच ना जाएं। एक शैतान सा बच्चा आया और नीचे लिख गया, और मास्टर बचने ना पाए। भैया तो मेरे बच्चे से मैडम ने पूछती है व्हाट इज आवर मदर टंग, व्हाट इज योर मदर टंग, तो मेरा बच्चा बोलता बोले दैट इज वेरी रॉन्ग एंड आउट ऑफ कंट्रोल। एक बार ताली वाली बजाओ तो प्रसाद बोलते हैं ना, गायत्री रचना करते हैं। आइए इस कार्यक्रम में, इससे जो पूरा ये हवा जनपद संभल से यहाँ पर आया हूँ, आइए प्रारंभ करते हैं। ये बच्चे हापुड़ की धरती से हमारी बीच उपस्थित है, जब आप उसको सुनेंगे तो आपने धीरे प्रसन्न बजाते रहेंगे, एक बार जोरदार ताली से सम्मान में उठें। लोकप्रियता इस शब्द के साथ जिन्होंने नाता जोड़ा है अपना और हमारे दिलों तक का रास्ता तय करते हुए हमें संगीत
सुनते हैं आज की महफिल का खास गीत की शक्ति में अजीब रास्ता है ये कहां शुरू कहां खत्म ये मंजिले हैं प्यारे मंजिल जो एक यहाँ से आ रही है एक यहाँ से आ रही फिर दोनों पकड़ रही है एक दूसरे को डॉल कहाँ घूम रही है अभी बेटा शुरू नहीं हुआ है बाहर और बाहर अभी लग भी नहीं रहा आधे एक घंटे के पहले शुरू होना है कुछ तब तक बच्चे सोने लगेंगे ये किस क्लास में आपको फिफ्थ में